बच्चों अब हम रेडॉक्स रिएक्शन का 8.19 क्वेश्चन करेंगे उसके बी और सी पार्ट इसमें एक इक्वेशन दी गई है आपको रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है इसको आपको बैलेंस करना है ठीक है कौन से मेथड से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी और ऑक्सीजन नंबर मेथड से भी तो पहले हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं सबसे पहले हम इससे फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एन टू एच फोर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NO में अपनी माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट से नाइट्रोजन चला गया है प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट से में इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, है ना ऑक्सीजन नंबर में कितने का चेंज आया है प्लस फोर का इंक्रीज हुआ है ना ऑक्सीजन नंबर और लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों साइड में बैलेंस नहीं है है ना लेफ्ट साइड में एन के दो एटम है और राइट right साइड में एन का एक ही एटम है इसको सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो क्लोरेट आयन है सी एल ओ थ्री माइनस आयन वो चेंज हो रहा है क्लोराइड आयन में और ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन की चेंज हो रही है प्लस फाइव से माइनस वन में मतलब रिड्यूस हो रही है कितना कितने का डिक्रीज हो रहा है प्लस सिक्स का है ना सिक्स का डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन नंबर और ये रिडक्शन हो रहा है तो ये सी एल ओ थ्री माइनस एक कैसी स्पीशीज़ है ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ और एन टू एच फोर इसमें इस रिएक्शन में, इस में कैसी स्पीशीज़ का काम कर रही है रिड्यूसिंग स्पीशीज़ का है ना रिड्यूसिंग एजेंट अब हम बैलेंस कर लेते हैं नाइट्रोजन एटम्स को तो आप नाइट्रिक एसिड के सामने दो लगा दीजिए ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम हो जाए अब हमें क्या करना है इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है है ना इसके चार्ज भी बैलेंस करने हैं इसका हाइड्रोजन का नंबर भी बैलेंस करना है और ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस करना है उसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं हम देखते हैं कि दोनों की तरफ चार्ज बराबर है क्या चार्ज बराबर नहीं है ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ है न कहाँ से कहाँ चेंज हुआ माइनस टू से प्लस टू की तरफ चार का चेंज आया है तो दो नाइट्रोजन में कितने का चेंज आया है प्लस एट का तो एट ऑक्सीजेशन नंबर में चेंज आया है इसलिए हमें यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन्स चें लगाने पड़ेंगे क्यों क्योंकि एट इलेक्ट्रॉन एट ऑक्सीजेशन नंबर का इंक्रीज़ हुआ है है ना इंक्रीज uh, होने का मतलब समझते हो ना उसको हमें नेगेटिव चार्ज से बैलेंस करना पड़ेगा तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं एट इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में ठीक है ये आपने किसको बैलेंस किया है आपने जो इंक्रीज हुआ है ना ऑक्सीडेशन नंबर में उसको आपने बैलेंस किया बाय एट इलेक्ट्रॉन्स एडिंग एट इलेक्ट्रॉन्ट द राइट साइड अब एट इलेक्ट्रॉन्स किए हैं तो हमारा चार्ज डिस्टर्ब हो गया है कहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में वहाँ तो न्यूट्रल तो है एन टू एच फोर उस उस साइड में हम ऐट ओ एच माइनस आइन जोड़ेंगे ताकि हमारा चार्ज दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज सेम हो जाए ठीक है इसी तरह से नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ओ एच माइनस आयन जोड़े जाते हैं तो एट ओ एच माइनस आइन जोड़ दिए तो अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इम्बैलेंस हो गया तो राइट right साइड में आपको सिक्स H2O मालिक्यूल जोड़ने पड़े ताकि आपका हाइड्रोजन भी हो जाए सिक्स टू जर ट्वेल्व और इस साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है ट्वेल्व है ना ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया सिक्स और ये एट ऑक्सीजन उस साइड है और एट ऑक्सीजन इस साइड है तो बैलेंस हो गया हमारी बैलेंस ऑक्सीजन रिएक्शन हो गई बिल्कुल ठीक है अब हम दूसरी रिएक्शन पे आते हैं इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं ये रिएक्शन फर्स्ट है जो आपने बैलेंस की ना अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्लोरीन जो है प्लस फाइव से माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट में रिड्यूस हो रहा है टोटल रिडक्शन हो रहा है सिक्स ऑक्सीजन नंबर्स का तो सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि उस साइड रिड्यूस हो रहा है तो हमें यहाँ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने पड़ेंगे ठीक है आपने सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो अभी चार्ज डिस्टर्ब हो गया क्योंकि चार्ज इस साइड में कितना हो गया सेवन टोटल हो गया नेगेटिव चार्ज और राइट right साइड में सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है तो हमें बैलेंस करने के लिए सिक्स ओ एच माइनस आयन जोड़ने पड़े राइट right साइड में देखिए आपने तो सिक्स ओ एच माइनस जोड़ तो दिए लेकिन अभी हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गए तो इसके लिए हमें तीन H2O मॉलिक्यूल जोड़ने पड़े लेफ्ट साइड में ताकि हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब बैलेंस हो जाए देखो बैलेंस हो रहे हैं ऑक्सीजन के सिक्स हैं एटम्स राइट साइड में और ऑक्सीजन के सिक्स हैं लेफ़्ट साइड में है ना सी एल ओ थ्री के साथ तीन -E -E और वाटर मालिक्यूल के साथ तीन तो छः हो गए ऑक्सीजन के हाइड्रोजन देखो इधर सिक्स है उधर भी सिक्स है और चार्ज भी बिल्कुल बराबर है तो ये बहुत बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई दोनों बैलेंस्ड हो गई हैं अभी हमें क्या करना है इनको ऐड करना है दोनों को तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो अलग अलग है ना पहली रिएक्शन में एट इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस रिएक्शन में छः इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैंसिल आउट करने के लिए इनको बराबर करना पड़ेगा तो कैसे बराबर करें एट और सिक्स के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम है वो है ट्वेंटी तो अगर हम एट को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आएगा और हम सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आएगा तो हम क्या करते हैं जो इक्वेशन नंबर वन है उसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वाली जो इक्वेशन नंबर टू है इसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ट्वेंटी हमने इक्वेशन नंबर वन है ना ऊपर वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उसको आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास थ्री को एट से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी फोर ओ एच माइनस प्लस थ्री एन टू एच फोर गिव सिक्स एन ओ प्लस एटीन एच टू ओ प्लस ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स आ गए रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आपने फोर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फोर ट्वेल्व एच टू ओ प्लस फोर सी एल ओ थ्री माइनस प्लस ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन गिवस फोर क्लोराइड प्लस ट्वेंटी फोर ओ एच माइनस अब जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं जैसे ट्वेंटी फोर ओ एच माइनस से ट्वेंटी फोर ओ एच माइनस कट गए और ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन से ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन कट गए दोनों रिएक्शंस के ठीक है ना ऐड करना है ना इनको अब इनको ऐड कर दो तो क्या बचा आपके पास बैलेंस इक्वेशन में थ्री एन टू एच फोर प्लस फोर सी एल ओ थ्री माइनस गिव्स सिक्स एन ओ प्लस फोर सी एल माइनस अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लेफ्ट साइड में ट्वेल्व है और राइट right साइड में एटीन है तो इनको उधर जाके माइनस कर देंगे तो आपके पास राइट right साइड में सिक्स एच टू आ जाएंगे तो बैलेंस इक्वेशन हो गई बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम देखते हैं कि कितने ऑक्सीजन नंबर का इंक्रीज हुआ है और कितने ऑक्सीजन नंबर का डिक्रीज हुआ है फिर उसको इक्वलाइज कर देते हैं उससे रिएक्शन बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाती है जैसे इंक्रीज़ हुआ है ऑक्सीजन नंबर में नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन में इंक्रीज़ हुआ है चार का तो दो नाइट्रोजन में क्योंकि एन टू एच फोर से एन ओ है ना दो मॉलिक्यूल्स बने एन NO के तो हमारे कितना हो जाएगा टोटल इंक्रीज़ आठ का और रिड्यूस कितना हुआ है ऑक्सीजन नंबर क्लोराइड का क्लोरीन में एक में हुआ है सिक्स का और क्लोराइड तो एक ही है दोनों तरफ एक ही है तो हमारा टोटल डिक्रीज़ हुआ है ए, सिक्स ऑक्सीजन नंबर दोनों को बराबर करने के लिए हम ऐसा कौन सा नंबर है जो एट और सिक्स के दोनों के टेबल में आता है वो ट्वेंटी फोर तो हम क्या करते हैं जो नाइट्रोजन वाली जो ऑक्सीजन हाफ़ रिएक्शन है ना उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर आ जाए फोर से और क्लोराइड वाली रिएक्शन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से ठीक है थ्री से नहीं इसको हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों में ट्वेंटी फोर आ जाए तो ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन को जब आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आ गया थ्री एन टू एच फोर इज़ कन्वर्टिंग इंटू सिक्स एन ओ है ना वहाँ पर टू था ना टू एन ओ और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी उसमें आपके कितने थे सी एल ओ थ्री माइनस वनवर्टिंग इंटू सी एल माइनस तो आपने इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ बहुत आसानी से रिएक्शन बैलेंस हो गई है ना वाटर मॉलिक्यूल तो सिक्स एच टू ही है वो वाटर मॉलिक्यूल कैसे लगाया आपने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना दोनों तरफ उसके बेसिस पे आपने सिक्स एच टू किए ठीक है थीके? तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन नंबर मेथड इज ईजियर देन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अब सी पार्ट में एक रिएक्शन है जिसमें सी एल टू ओ सेवन रिएक्टिंग विद एच टू ओ टू एंड कन्वर्टिंग इन टू सी एल ओ टू माइनस प्लस ओ टू जीरो ऑक्सीजन स्टेट प्लस एच प्लस आयन ठीक है तो डिक्रीज़ देखो कितने ऑक्सीजन नंबर का हो रहा है प्लस सात से प्लस तीन में तो चार ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन पर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय वन ठीक है तो सी एल टू ओ सेवन कैसा एजेंट है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एच टू ओ टू कैसा एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है है ना क्योंकि एच टू ओ टू का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सी एल टू ओ सेवन का खुद का रिडक्शन हो रहा है अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखो आप आपने एच टू ओ टू इस कन्वर्टिंग इंटू ओ टू और माइनस वन से जीरो की तरफ आ रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वन से अब हमको क्या करना है जो ये ऑक्सीजन नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा अभी लेफ़्ट साइड में तो कितना है ऑक्सीजन नंबर माइनस वन एक का है तो दो का कितना हो गया माइनस टू क्योंकि ओ टू है ना तो हमको राइट right साइड में क्या करना पड़ेगा दो इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो लगा दिए लेकिन चार्ज इम्बैलेंस हो गया चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप ओ एच माइनस आयन लगाओगे लेफ्ट साइड में ये देखो दो ओ एच माइनस तो ये रिएक्शन आई अब हमें क्या करना है बच्चों अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए क्योंकि राइट right साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं और लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है चार तो हमें लेफ्ट साइड राइट साइड में दो एस्टूट जोड़ना पड़ेगा अभी देखो सब बैलेंस है ये अब ये जो ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है है ना अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे आते हैं उसमें हमें सबसे पहले तो क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा उधर दो एटम है इधर एक एटम है तो इसके आगे पूरे के आगे, आगे आप टू लगा दो ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए क्लोरीन बैलेंस हो गए अभी हमें ऑक्सीजन नंबर को, को बैलेंस करने के लिए एट इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे क्यों क्योंकि हमारे पास जो डिक्रीज़ हो रहा है वो कितने का हो रहा है सिक्स का है ना और वहाँ पे कितना है वो कितने बन रहे हैं वहाँ पे टू माइनस चार्ज है है ना सिक्स का डिक्रीज हो रहा है तो इस तरफ हमें एट इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे ठीक है तो एट इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा अभी इधर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा है ना चार्ज इम्बेलेंस क्यों हो रहा है क्योंकि सॉरी वहाँ पे हमारा डिक्रीज है चार का तो एक में चार का है तो हमें आ, कितने बन रहे हैं ये सी CL एल के सी एल ओ टू माइनस के दो तो हमें एट इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे है ना क्योंकि एक सी एल टू ओ सेवन जब सी एल ओ टू माइनस में बदलता है तो चार का डिक्रीज होता है तो दो बदलेंगे तो दो क्लोरीन एटम्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं ऑक्सीजन नंबर में तो एट इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे ओके अब चार इम्बैलेंस हो गया तो हमें राइट साइड में सिक्स ओ एच माइनस आयन एड करने पड़े अब सिक्स ओ एच माइनस तो ऐड कर दिए लेकिन अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए उसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में तीन एस्ट्रो मॉलिक्यूल जोड़ने पड़े अब देखो ये बैलेंस हो गई हाँ ये बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन है अब लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो दोनों में सेम नहीं है जो फर्स्ट रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उसमें आ, दो इलेक्ट्रॉन थे इसमें आठ इलेक्ट्रॉन है तो हम उस रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमने उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी ना हाइड्रोजन पर वाली जब आपने टू से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से रिएक्शन बन गई फोर एस टू ओ टू प्लस एट ओ एच माइनस गिव्स फोर ओ टू प्लस एट इलेक्ट्रॉन्स प्लस एच टू एट टू तो और इसको मैं इससे तो वैसे ही एट इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आप एड कर दो इन रिएक्शन को तो आपका ये एट इलेक्ट्रॉन से एट इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और आपकी जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी सी एल टू ओ सेवन प्लस फोर एच टू ओ टू प्लस टू ओ एच अब टू एच क्यों आया क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एट ओ एच है और दूसरी तरफ देखो सिक्स ओ एच है दूसरी रिएक्शन में तो उसको माइनस कर देंगे ना तो फाइनली टू ओ एच आ जाएगा ओ एच माइनस गिव्स टू सी एल ओ टू माइनस प्लस

ठीक है फाइव एच ट्रो कैसे आए इधर से तीन एच टो उसमें से एट एच ट्रो में से माइनस करोगे ना तो फाइव एच टो हो जाएंगे तो ये आपकी बैलेंसड इक्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसमें हम क्या देखते हैं रिडक्शन कितना हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में और इंक्रीमेंट कितना हुआ है तो रिडक्शन देखो चार का रिडक्शन हुआ है और इंक्रीमेंट वन का हुआ है लेकिन चार का रिडक्शन तो हुआ है लेकिन दो आइटम में हुआ है तो वो टोटल आठ का रिडक्शन हुआ है और एच टू ओ टू में एक में ऑक्सीजन में एक का रिडक्शन हुआ है, लेकिन दो ऑक्सीजन में हुआ इससे टोटल ऑक्सीजन नंबर रिडक्शन है दो अब हमको इनको बराबर करना होता है तो क्या हम एच टू ओ टू वाली रिएक्शन जो है उसको हम चार से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीज रिडक्शन और इंक्रीमेंट बराबर हो जाएंगे जितना ऑक्सीजन नंबर में रिडक्शन है और जितना इंक्रीज है दोनों बराबर हो जाएंगे ना अगर हम ये इंक्रीमेंट को हम मल्टीप्लाई कर दें इंक्रीमेंट वाली रिएक्शन को चार से ठीक है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी एल टू ओ सेवन इज कन्वर्टिंग इंटू टू सी एल ओ टू माइनस ये तो वैसे का वैसा ही है सिर्फ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाली रिएक्शन को आप फोर से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन अभी ये हाइड्रोजन का नंबर जो है वो इम्बैलेंस है तो हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हम राइट right साइड में Uh, पहले चार्ज भी इम्बैलेंसड है एक्चुअली चार्ज पहले पहले चार्ज बैलेंस करते हैं राइट right साइड में देखो आप टू माइनस चार्ज है है ना और लेफ्ट साइड में कोई चार्ज ही नहीं है तो हम टू माइनस चार्ज के बैलेंस करेंगे टू ओ एच माइनस लगाते हैं अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो अगर आप देखोगे तो हमको फाइव वाटर मॉलिक्यूल एड करने पड़ेंगे राइट right साइड में टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल अब इस ये रिएक्शन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है दिस इज़ द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन On the basis of oxidation number so this method actually easier than ion exchange ion electron method uh, reaction is balanced cl2o7 plus 4h2o2 plus 2oh- minus gives 2clo2- plus 4o2 plus, uh, 5h2 okay